हेलो, माई सेल्फ योगेश गर्ग, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RP IIT Academics. इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मेटाबॉलिक एक्टिविटी पढ़ रहे थे विटामिन के की. तो ये कुछ पढ़ी थी कि हमारा क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग पाथवे में यूजफुल होता है और प्रोथ्रोम्बिन के एक्टिवेशन में भी हेल्पफुल करता है. वहीं इसके अलावा और है, देखो, द आइसोलेटेड प्रोथ्रोम्बिन does contain radioactivity if the vitamin K deficient rates are treated with vitamin K but no cyclohexamide. अगर हम क्या करें, प्रोथ्रोम्बिन को आइसोलेट करते हैं, उसको रेडियो एक्टिवेट करते हैं और विटामिन के डेफिशिएंट रेट में उसको इंजेक्ट करते हैं, तो विटामिन के से ही हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ना कि साइक्लोहेक्सामाइड से. एंड रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड्स वर गिवन टू द डेफिशिएंट रेट्स फॉर 1 आवर बिफोर साइक्लोहेक्सामाइड एंड विटामिन के. रेडियो एक्टिविटी वॉज फाउंड इन प्रोथ्रोम्बिन. अगर हम किसी ऐसे रेट में दे देते हैं जिसमें अमीनो एसिड्स रेडियो एक्टिव देने हैं जिसमें डेफिशिएंसी हो साइक्लोहेक्सामाइड्स की, तो जो प्रोथ्रोम्बिन है वो हम देखें तो उसमें क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी नज़र आ जाती है. दिस डाटा सजेस्ट दैट इन द इंटेक्ट रेट द एक्शन ऑफ विटामिन के इज टू कन्वर्ट अ प्रोटीन प्रिकर्सर विद अ शॉर्ट बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ टू प्रोथ्रोम्बिन. तो इससे हम समझ सकते हैं जो हमारा विटामिन के है वो क्या करते हैं, एक बायोलॉजिकल हाफ लाइफ चलाता है जिसमें प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है. नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ विटामिन के. इट इज़ असेंशियल फॉर हिपेटिक सिंथेसिस ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर. किसके लिए है, हिपेटिक सिंथेसिस, कोएगुलेशन फैक्टर 2nd, 5th, 7th, 9th, and 10th सबसे असेंशियल फैक्टर हो गया. सेकेंड, क्लोटिंग में इट प्रिवेंट्स हेमरेज ओनली इन केस व्हेन देयर इज अ डिफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन. अगर डिफेक्टिव प्रोडक्शन होता है प्रोथ्रोम्बिन के लिए तो भी ये हेमरेज ला सकता है. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भी यूज होता है, इट एक्ट एज ए कोफैक्टर इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एसोसिएटेड विद लिपिड्स. फॉस्फोराइलेशन लिपिड्स का होता है, वहाँ पे भी इसका यूज होता है. विटामिन के इज नीडेड फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामाइल रेजिड्यू. विटामिन के कहाँ होता है, कार्बोक्सिलेशन में होता है यूज. रेजिड्यू ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग ट्रांसपोर्ट बिटवीन द फ्लेविन कोएंजाइम एंड द साइटोक्रोम सिस्टम. ये अलग से, ये देखो, विटामिन के हेल्प्स ब्लड क्लॉटिंग असेंशियल टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स. ताकि जो चोट से हमारे क्या होते हैं, ब्लीडिंग होती है, उसको रोकने में विटामिन के हेल्प करता है. पीपल विद विटामिन के डेफिशिएंसी में एक्सपीरियंस इजी ब्रशिंग, नोज ब्लीड्स एक्सेट्रा. तो जिसमें पर्सन में विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है उनको क्या होता है, नोज ब्लीडिंग हो सकती है. ऑल्दो द डेफिशिएंट इफ दिस विटामिन इज रेयर टू अकर. और इसके डेफिशिएंसी होने जबकि बहुत कम चांस होते हैं, ये नहीं है कि ये सभी के अंदर हो जाती है, रेयर चांस होते हैं जिसको विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन होती है तो उसमें ब्लीडिंग नहीं हो पाती क्योंकि ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, ब्लीडिंग रुक नहीं पाती क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनता. द सोर्स ऑफ विटामिन के आर एनिमल फैट. सोर्स क्या हो गया, इस पर सोर्स लिख दें, यहाँ पे एनिमल फैट हो गया, एग योक हो गया, होल मिल्क, रेड मीट एंड डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनेच, एस्परेज. ठीक है, तो ये अलग अलग इनके विटामिन के सोर्स हो गए. तो यहाँ पर विटामिन के कम्प्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट वाटर सोल्युबल विटामिन देखेंगे.